सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस टाइम नाइन्थ स्टैंडर्ड का या कहो तो इलेवेंथ स्टैंडर्ड का, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन या फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इसका इंट्रो है इंक्लूडिंग द न्यूटन्स लॉ, यहाँ पर हम ये चीज समझेंगे बेसिक से लेके। सो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग विथ फोर्स, ठीक है, क्या होता है ये फोर्स। एट्थ क्लास में हमने पढ़ा कि फोर्स इज एनी पुल और पुश, राइट। इस बार जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाए, भाई एट्थ में पढ़ा था, अब थोड़ा आगे बढ़ गए तो फिर उस हिसाब से डेफिनेशन भी ज्यादा हो जाना चाहिए। यहां पर फोर्स का मतलब क्या, हम जब किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्वियसली हम पुल या फिर पुश करते हैं ऑब्वियसली, पर ये क्या है, ये एक तरीके से एफर्ट लगाना। जैसे मान लो ये बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मतलब क्या, मैं यहां पर इसके ऊपर एक एफर्ट लगा रहा हूं। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट या एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस, मतलब फोर्स से क्या क्या चीजें होती हैं। फोर्स से हम एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको हम मोशन में ला सकते हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं, और एक मूविंग ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसका हम शेप या साइज भी बदल सकते हैं फोर्स लगा के, राइट। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं फोर्स से, पर क्या ये जरूरी है कि हमेशा वो चीज होगी। ओके, जैसे कि मान लो ये बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, पर ये दीवार से जुड़ा हुआ है, ये फोर्स से ये बोर्ड जो है मोशन में नहीं आ रहा, राइट। तो ऐसे में हम ट्राई कर रहे हैं पर ये हो नहीं रहा ऑब्वियसली। तो ये जो फोर्स है, इट कैन चेंज और इट कैन जस्ट ट्राई टू चेंज और टेंड टू चेंज, ठीक है, द स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी और डायमेंशन में शेप या साइज दोनों आ जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से जो हमारा डेफिनेशन बनेगा फोर्स का वो क्या रहेगा, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अब स्टेट ऑफ मोशन में मैंने रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, डायरेक्शन बदलना, ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी इसके अंदर। सो चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और कहो तो मोशन बदल सकता है और डायमेंशन, शेप या साइज दोनों आ सकता है ना, तो और डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये तो डायमेंशन के आ गया, आप शेप और साइज लिख सकते हो। ओके, सो फोर्स इज एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस और इट मे टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी शेप या साइज। ओके, अब यहां पर फोर्स के बारे में थोड़ा बेसिक जान लो। इसका जो फॉर्मूला है, जो ऑब्वियसली हम आगे डिराइव करेंगे, पर एक फॉर्मूला इसका बेसिक याद रखो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसके मास है m, और इसमें हमने जो एफर्ट लगाया उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a, तो यू कैन से दैट जो फोर्स लगाया गया था दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। फोर्स का मास का जो हमारा SI यूनिट है वो kg है, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया किसका, फोर्स का। अब इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन। तो यानी फोर्स का SI यूनिट क्या हो गया, यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका SI यूनिट हो गया न्यूटन, और इसका CGS यूनिट जो कि ऑब्वियसली ग्राम सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड डाइन, ठीक है, डायन नहीं, डाइन। ओके, तो यहां पर न्यूटन और डाइन का रिलेशन भी याद रखो, 1 न्यूटन इज 10^5 डाइन। ओके, फोर्स का यूनिट्स और उनका कंपैरिजन।
एंड अगर हम बात करें इसका कि ये किस तरह का क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास भले ही स्केलर है, अगर वेक्टर को स्केलर से ऑपरेट किया तो रिजल्ट भी हमेशा क्या रहता है, वेक्टर, हेंस फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और मतलब सिंपल भी है, समझना आसान भी है, अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर उसको वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, ओके? तो यानी फोर्स जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसके लिए यहाँ पर फोर्स इज ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? अगर हम फोर्स के यूनिट की बात करें तो इसके अलावा भी इसका यूनिट होता है, ये तो इसका एब्सोल्यूट यूनिट्स हुआ न्यूटन और डाइन, इसके अलावा इसका ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा एडिशनल, अगर थोड़ा सा 11th का इन्फॉर्मेशन दूं, तो उसके हिसाब से यहां पर इसका ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है, और ग्रेविटेशनल यूनिट जो है एक तो है केजी वेट या फिर केजी एफ, और दूसरा है ग्राम फोर्स या फिर ग्राम वेट, ठीक है? अब केजी वेट जो है, जैसे आपको समझो किसी न्यूमेरिकल में फोर्स दिया है पर वो केजी वेट में दिया है या केजी फोर्स में दिया है, तो ऑब्वियसली जैसे 5 kg फोर्स, तो उसको आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या है, देखो 9.8 न्यूटन होता है 1 kg फोर्स या 1 kg वेट, तो अगर आपको 5 kg वेट या 5 kg फोर्स दिया है तो क्या करना होगा, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, आ जाएगा न्यूटन में, सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे ही ग्राम फोर्स या ग्राम वेट को हम डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज सिंपली 980 डाइन, ओके? तो ये हमारा जो यहां पर था वो एब्सोल्यूट यूनिट है, इसी को हमको मतलब इसी फॉर्म में यूज करना होता है जनरली फोर्स को, और ये ग्रेविटेशनल यूनिट का भी न्यूमेरिकल इसके टर्म में आपको फोर्स दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना होगा, ओके? मूविंग अहेड, फोर्स के अलावा जो यहाँ पर हमको एक और क्वांटिटी जो बहुत जरूरी है जो पढ़नी है, दैट इज मोमेंटम, ठीक है? नाउ व्हाट इज मोमेंटम, या अगर हम कहें तो लीनियर मोमेंटम, ओके? सो दिस मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्वियसली इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसे आएगा, क्या है एग्जैक्टली, मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसका, कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो जिसका मास m है, मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम जो है ऐसे ऑब्जेक्ट का हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए मोमेंटम भी क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है? सो व्हाट इज मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, मास यहां पर होगा केजी में और वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड, ओके? तो इस चीज को हमको वैसे आगे यूज करना है, न्यूटन के लॉ में हमको काम आएगा, इसलिए हमने इस चीज को वैसे डिफाइन कर लिया है, ठीक है? हमने यूनिट दे दिया और ये बता दिया कि भैया ये क्या, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो ये वेक्टर बन जाएगा, और मोमेंटम क्या है, एक मतलब एक जनरल आइडिया ले लो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज द वेलोसिटी इज जीरो, ओके? जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, चाहे वो कितना भी भारी हो, अगर वो रेस्ट में है तो मोमेंटम जीरो हो गया। अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि एक बुलडोजर है, मास उसका बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, वेलोसिटी मान लो मतलब थोड़ा एक स्लोप से धीरे धीरे वो रोल करता हुआ आ रहा है, अगर वो किसी चीज से टकराता है तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि भले ही उसका वेलोसिटी कम है लेकिन मास इनटू वेलोसिटी, मास ज्यादा है तो यानी मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? दोनों में से कोई भी एक चीज अगर ज्यादा रहेगी, वेलोसिटी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन अगर मास ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। एक दूसरा केस ले लेते हैं, बुलडोजर को साइड में रखो, एक बुलेट को अज्यूम करो, एक गोली जो फायर हुई है एक गन से, उसका मास तो कम होता है कंपेयर टू बुलेट, बुलडोजर, उसका मास जो है काफी कम होता है, या रोड रोलर की कंपैरिजन में उसका मास काफी कम होता है, फिर भी उसका जो आप कह सकते हो मोमेंटम ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज वो जो फायर हुआ है उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो यानी मोमेंटम क्या है, इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमको यहां पर जानना जरूरी है दैट इज अबाउट इनर्शिया। तो अगर हम बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो अपने आप से कभी मोशन में नहीं आएगा। अब हम ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई उस पर फोर्स लगा दो, मूव कर दो, मतलब एक जनरल टेंडेंसी, कोई भी नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, तुम बोलोगे यार सर हवा चल गई तो मूव हो गया, हवा भी तो फोर्स ही है। ओके, तो यानी बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के या फोर्स के कोई भी चीज़ जो रेस्ट में है उसके पास ऐसा वरदान है कि वो रेस्ट में रहेगा, एंड दैट वरदान इज कॉल्ड व्हाट? इनर्शिया। उसी को इनर्शिया कहते हैं। वैसे ही अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक स्पीड से अगर वो आगे चल रहा है तो वो लगातार उसी स्पीड से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक कोई रोकता नहीं उसको। तो यानी कि इसकी ये जो खूबी है कि भाई लगातार वो एक स्पीड से चलता जाए, तुम बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता, एक बॉल को अगर हम जमीन पर रोल करें कुछ डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाएगा। बात तो सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। जब आप बॉल को रोल कर रहे हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लग जा रहा है, कौन सा फोर्स है वो? यस, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर वो नहीं होता तो ये बॉल लगातार रोल करता ही जाता जब तक कि कोई फोर्स उसको स्टॉप नहीं करता। ओके, तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। ओके, सो दिस इज इनर्शिया। आप इसको मतलब काफी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ गिवन मोशन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। या फिर एक और तरीके से, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इनेबिलिटी मतलब कि जैसे एबिलिटी है वैसे उसका अपोजिट है इनेबिलिटी। कोई भी बॉडी अपना स्टेट खुद से बदल नहीं पा रहा, ये उसकी इनेबिलिटी है। सो मैं इसको डिफाइन करता हूं इस तरीके से, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट, सॉरी, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्सेल्फ। वो अपने आप से अपना स्टेट ऑफ मोशन, यानी रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आ सकता, मोशन में है किसी गिवन मोशन में तो उसका वो स्टेट बदल नहीं सकता, ना ही उसका डायरेक्शन बदल सकता है अपने आप से। ओके, दिस इनेबिलिटी, दिस टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी, किसी भी चीज के अंदर ये टेंडेंसी होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको इनर्शिया कहा जाता है। एंड इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया पूरी तरह से मास पे डिपेंड करता है। इसका कोई हम फॉर्मूला तो वैसे हम बता नहीं सकते, पर तुम कहो तो ये पूरा मास पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? एक छोटा समझो, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट ले लो और एक मान लो कि 10 kg का ऑब्जेक्ट है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा है। कैसे पता चला सर? चलो इनको रेस्ट में अज्यूम करते हैं और इन पे हम फोर्स लगाते हैं, किसको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली हैवी वाले ऑब्जेक्ट को, तो यानी उसका इनर्शिया ज्यादा हुआ। इस चीज को समझो कि उसका इनर्शिया भंग करने में, यानी उसको रेस्ट से मोशन में लाने में हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा, इसके लिए उसका इनर्शिया ज्यादा हुआ। ओके, सो जिसका मास ज्यादा, ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। ऐसे हमको डायरेक्टली कुछ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं करना, ना ही उसका कोई यूनिट, पर पूरी तरह से मास पे डिपेंड कर सकता है। कह सकते हो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब जो ये इनर्शिया होता है, इसके टाइप्स होते हैं, इसके 3 types हैं। कौन से कौन से? 1 इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऐसे 3 inertias हैं, 3 types के हैं। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अपने आप से मोशन में नहीं आएगा. दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अपने आप से अपना स्टेट नहीं बदलेगा. दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन. और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो अपने आप से अपना डायरेक्शन बदल नहीं सकता. दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो यानी कि यहाँ पर तीन टाइप के इनर्शिया हुए. ठीक है, अगर हम इसी केस में एग्जाम्पल लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है. अगर हम एक सपोज एक ऐसे ट्रेन में या एक ऐसे बस में बैठे हुए हैं जो रेस्ट में है फिलहाल, तो ऐसे केस में अगर वो अचानक से चल पड़ता है तो हमको एक पीछे का जर्क मिलता है, पीछे का झटका मिलता है. व्हाट इज दैट? यस, इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. हमारा पूरा बॉडी जब उस हम टेबल ट्रेन या बस की चेयर पे बैठे हैं तो पूरा बॉडी रेस्ट में है जब वो ट्रेन रेस्ट में था, पर जैसे ही वो ट्रेन मूव करा हमारा बॉडी वॉज एट रेस्ट एंड इट वॉज ट्राइंग टू बी इन दैट स्टेट ऑफ रेस्ट. वो उस रेस्ट की पोजिशन को मेंटेन करने की चक्कर में एक्चुअली बॉडी पीछे नहीं गया, हमारा सिर पीछे नहीं गया, वो ट्रेन और हमारा जो पार्ट बॉडी पार्ट कॉन्टैक्ट में था सीट के वो आगे चला गया. तो वी आर फीलिंग कि हम पीछे गए, असल में हमारा सर तो उसी पोजिशन पर था, हमारा बाकी बॉडी पार्ट जो है वो आगे निकल गया. दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो उसका उल्टा अज्यूम करो कि मान लो अब ट्रेन चल रही थी और अगला स्टॉप जो है बस आने ही वाला है और एकदम से अर्जेंटली अब रुक गया अगले प्लेटफॉर्म पे, तो यानी जब ट्रेन अचानक रुकेगी हमको आगे का झटका मिलता है. व्हाट इज दैट? इनर्शिया ऑफ मोशन. हमारा पूरा बॉडी एक स्टेट ऑफ मोशन में था एंड जैसी ट्रेन रुक गई हमारा बॉडी उस मोशन को कंटिन्यू करने के चक्कर में वो आगे आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए वो आगे जा रहा है, राइट? एंड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज जब सपोज बस में है या कार में है, एक डायरेक्शन इस तरफ घुमाया, सपोज यहाँ टर्न ले रहे हैं तो हमारा बॉडी सपोज पहले वो स्ट्रेट रोड में जा रहा था, अब राइट टर्न लिया हमने तो बॉडी जो है वो कहाँ जा रहा है? वो उस पुराने डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, राइट? इधर पे टर्न ले रहे हैं तो बॉडी यहाँ जा रहा है, अगर यहाँ टर्न लिया बॉडी यहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ पे जा रहा है बॉडी? जहाँ पहले वो मूव कर रहा था, एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है. सो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, आपको दो एग्जांपल्स और देता हूँ इस केस में. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक पेड़ है, उसको जोर से, ज़्यादा बड़ा नहीं है ठीक है, थोड़ा छोटा है, जिसको हम जोर से उसको एक धक्का दे रहे हैं तो उसके सारे जो सूखे पत्ते हैं, मोस्ट ऑफ द सूखे पत्ते जो है वो उसके नीचे आ जाते हैं, नीचे गिर रहे हैं. क्यों? इनर्शिया. कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. पूरा पेड़ रेस्ट में था, सारे पत्ते रेस्ट में थे, जैसे हमने झटका दिया पूरा पेड़ शेक कर गया, सारे पत्ते शेक हुए, जो ग्रीन पत्ते थे वो स्टेम के साथ जबरन चले गए, या समझो जिद्दी थे वो, मजबूत था उनका स्टिक, लेकिन जो सूखे पत्ते थे उनका स्टॉक जो है उतना मजबूत नहीं था, तो दे वेर एट रेस्ट. जब पेड़ हिला तो पेड़ से अलग हो गए सूखे पत्ते, राइट? सो दैट वाज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एक डोर मैट उसमें डस्ट लगा हुआ है, उसको किसी चीज पे जोर से हिट करते हैं, सारे डस्ट बाहर, कौन सा इनर्शिया? आप ये चीज जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इसमें कौन सा इनर्शिया है. फिलहाल हम आगे चलते हैं हमारे तीन लॉज न्यूटन के, न्यूटन बाबा के तीन लॉज हम यहां पर कर लेते हैं. सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर लें. पहला है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. क्यों इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि इनर्शिया के बारे में ही ये बताएगा, कुछ और नहीं बता रहा. व्हाट इज दैट? एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल
अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इनर्शिया के बारे में बता रहा है कि कोई बॉडी बॉडी जो रेस्ट में है वो उस रेस्ट की मोशन रेस्ट के कंडीशन में ही रहेगा. अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, उसी स्ट्रेट लाइन में. अनलेस एंड अंटिल ऐसा वो कब तक करता रहेगा, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उसके उस इनर्शिया को डिस्टर्ब नहीं करता, तब तक वो उस इनर्शिया को ही फॉलो करता रहेगा. ऑब्वियसली दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में ही बता रहा है. ओके अगर हम बात करें सेकेंड लॉ की, मैं यहां पर सेकेंड लॉ बता दूंगा फिलहाल क्योंकि उसके थोड़ा सा एफ इक्वल टू एम ए जो है वो वहीं से आएगा. तो मैं यहां पर थर्ड लॉ पहले बता देता हूं, सेकेंड लॉ हम यहां कर लेंगे. ओके थर्ड लॉ ये है, काफी लोगों को पता होगा, बहुत फेमस वाला. व्हाट इज दैट? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट ए है, बी के ऊपर वो एक फोर्स लगा रहा है एफ वन, तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है. सपोज दैट फोर्स इज एफ टू, यू कैन से एफ वन एंड एफ टू आर इक्वल, सिर्फ उनका क्या अपोजिट है? डायरेक्शन. जैसे मान लो कि हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, कम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे हाथ पे भी कम प्रेशर फील होगा उसका, पर जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो दीवार भी हम पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है. ओके मतलब बैलेंस करेगा उसको दीवार. सो दैट इज योर एक्शन रिएक्शन पेयर. वैसे ही, और ये दोनों चीजें एक साथ होती है, ऐसे नहीं कि एक्शन पहले होगा फिर रिएक्शन, दोनों एक साथ ही हो रहा है. ओके हम इस ग्राउंड पे खड़े हैं, तो यानी ग्राउंड हम मतलब हम एक वेट, वेट भी एक फोर्स है, तो हमारा वेट जो है, जो डाउनवर्ड फोर्स है, उसके रिएक्शन में ग्राउंड भी हम पे एक अपवर्ड फोर्स देता है, इक्वल एंड अपोजिट, ये याद रखना. ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो रॉकेट का प्रोपल्शन होता है. तो रॉकेट जो है, जब अपना फ्यूल, जो उसका तेजी से जो फ्यूल जलते हुए जो उसका एग्जॉस्ट आ रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस आ रहे हैं, तो वो एयर पे क्या कर रहे हैं? एयर पे एक फोर्स बना रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स, और उसके रिएक्शन में एयर भी उतना ही फोर्स, जितना वो गैस फोर्स एग्जर्ट करेगा एयर पे, एयर बिल्कुल उतना ही रिएक्शन से उसको ऊपर थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे रॉकेट ऊपर प्रोपेल करेगा. तो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट भी इसी का थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है. अब यहां पर जो सेकेंड लॉ है, जिसमें एफ इक्वल टू एम ए हमको ये चीज देखने को मिलेगी, कहां से आया, ये डेरिवेशन भी आ जाएगा उसके अंदर, छोटा सा है, क्विकली हम इसको कर लेते हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल है ये स्टेटमेंट, देख लेंगे इसको जल्द से. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्स एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स. मतलब जो अब ऐसे तो हम इसको मैथमेटिकली इस चीज को समझना होगा. सपोज हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास है m, ठीक है, इसका ऑलरेडी ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, और इस पर एक फोर्स लगाया गया, लेट दैट फोर्स बी f इन द सेम डायरेक्शन, जिससे इस मास का जो वेलोसिटी है, नाउ लेट द वेलोसिटी बी इंक्रीज टू v, ये इनिशियल ये फाइनल, कितनी टाइम में ये चेंज हुआ, लेट दैट टाइम बी कॉल्ड टी. ओके तो इसमें आप स्टेटमेंट देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो व्हाट इज मोमेंटम हियर? द इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, पी एफ, फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. सो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या? चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल इन मोमेंटम माइनस इनिशियल. रेट ऑफ आ गया मतलब डिवाइड बाय टाइम, ये याद रखना. तो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और रेट बोला मतलब डिवाइड बाय टाइम, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ठीक है, तो यानी मैं लिख सकता हूं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई
अपॉन टी, राइट। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा, एंड पी एफ का वैल्यू भी डाल दो चलो वहां पर, दैट इज एम वी माइनस पी आई, क्या है एम यू अपॉन टी, मास को निकाल लो कॉमन, वी माइनस यू अपॉन टी हो गया, और न्यूटन ने के की वैल्यू जब निकाली एक्सपेरिमेंटली तो वो कितना मिला, इट वॉज वन। तो वन है तो भाई लिखने की जरूरत नहीं है, सो वी गेट एफ इज इक्वल टू एम इन टू, वट इज दिस समथिंग, दिस इज एक्सेलरेशन, पढ़ा है हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से हमको फोर्स का मिलता है फॉर्मूला, ओके। तो इस केस में हमने फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया उसके टाइप्स और लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन किया। में हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने वाले हैं, ओके। और इसके अलावा रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, मजल वेलोसिटी क्या होता है, कैचिंग ऑफ बॉल, इसके अलावा प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, ये सारी चीज़ें हैं आपको आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले जो इसका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और एक लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये करा जाएगा। और इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है, इट इज ड्यूरिंग एनी कोलिजन, किसी भी कोलिजन में, कोलिजन क्या होता है, ऐसा कोई इवेंट जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराया और एक फोर्स अप्लाई किया बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, है ना। तो किसी भी टकराने जैसे प्रोसेस के लिए क्या होता है, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्वड होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि कोलिजन से पहले जो उनका टोटल मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो उनका टोटल मोमेंटम होगा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यहां पर एक चीज हम नहीं लिखते लेकिन वो लिखना चाहिए, व्हाट इज दैट, कि ये जो प्रोसेस है ना ये आइसोलेटेड है, मतलब क्या कि इन दोनों के अलावा कोई और फोर्स इस पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए ये चीज बताई जाती है, वैसे हमको नाइन्थ में डायरेक्टली दिया है तो कोई ऐसे यहां पे हम आइसोलेटेड ही अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है, देखो यहां पर क्या है, दो बॉडीज है ए और बी, दोनों सेम लाइन में, ठीक है, सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो सेम डायरेक्शन और सेम लाइन का मतलब ये हुआ, आगे पीछे चोर पुलिस की तरह ऐसे मूव कर रहे हैं। अब ए जो है बी के पीछे पीछे जा रहा है, तो ये कोलाइड कब करेगा, सिंपल सी बात है कि अगर ए की स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा होगी। तो देखो यहां पर टर्म्स क्या क्या दिए हैं, बिफोर कोलिजन टकराने से पहले का, इनका ए का मास जो है एम ए है, बी का मास है एम बी, ए की वेलोसिटी है यू ए, बी की वेलोसिटी है यू बी, यू क्यों लिखते हैं भाई, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और एक मोमेंट आया, यानी वो पल आया जब दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तुम ये नहीं कहोगे कि सिर्फ ए टकराया बी से, बी भी ए से टकराया है, सो दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए, और इस कोलिजन में जो इनका टाइम ऑफ कोलिजन, जितनी देर के लिए चिपके हुए थे, दैट टाइम ऑफ कोलिजन इज टी, और ऑब्वियसली मास में कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे। जो फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया वो क्या है, देखो एफ वन, और जो फोर्स बी ने ए पे लगाया वो एफ टू है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सर ए टकराया ना तो ए फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है। न्यूटन के तीसरे लॉ में पढ़ा है कि अगर एक बॉडी दूसरे पे लगा रहा है फोर्स, तो दूसरा वाला बॉडी भी पहले वाले पे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स दोनों का, एफ वन इज अ फोर्स ऑफ ए ऑन बी एंड एफ टू इज अ फोर्स ऑफ बी ऑन ए, ओके। और आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद फिर ये अलग हो गए, अलग हो गए, तो ऑब्वियसली अब देखो ये पीछे से तेजी से आ रहा था, टकराया, अब क्या होगा, आगे वाले की स्पीड बढ़ जाएगी, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया उसने, तो आगे वाले की स्पीड बढ़ गई, एंड लेट द न्यू स्पीड ऑफ बोथ द बॉडीज, ए का हमने लिख दिया वी ए और बी का लिख दिया वी बी। वी क्यों लिखा भाई, यहां पर यू लिखा था इनिशियल के लिए, यहां वी लिखा है फाइनल के लिए। तो हमको यह प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आइए देखते हैं क्या है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन यानी ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं करा है चेक कर लो, चैनल पे है, ओके। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ओके। तो यहां पर ए का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ ए इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। ऐसे ही बी का हो जाएगा मास ऑफ बी इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, और दोनों को प्लस कर दिया तो वो हो जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम,
है ना, हमको यहां प्रूव करना है टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज हमको क्या प्रूव करना है, इधर के हिसाब से लिख देते हैं, इधर के हिसाब से इनिशियल का मतलब मास ऑफ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, ये प्रूव करना है हमको, ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि ये क्या हो गया मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए तो क्या हो जाएगा मास, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, दोनों को मिला दिया ऐड कर दिया, ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम, और ऐसे ही ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ ए एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, तो ये हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम, राइट। अब यहां पर हमको यही चीज प्रूव करनी है, तो याद रहे भाई हमको एग्जैक्टली प्रूव ये करना है, टू प्रूव दिस, ये प्रूव कर दिया मतलब ये लॉ को प्रूव कर दिया, ये फॉर्मूला पे बेस काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं अगर आपको पता हो, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं जो चीज हमको पता है वहां से, हमने न्यूटन का जो तीन लॉज हैं अबाउट मोशन वो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया हुआ है, इसका सेकेंड लॉ में हमने नॉट सेकेंड लॉ थर्ड लॉ में हमने क्या निकाला था, क्या यूज किया था वहां पर, कि भाई ड्यूरिंग एनी कोलिजन नहीं पर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर देखो जब F1 मैं कह रहा हूं कि भाई ये वो फोर्स है जो A B पे लगा रहा है और इसके रिएक्शन में F2 इज दैट फोर्स जो B A के ऊपर लगा रहा है, ये क्या होंगे इक्वल एंड अपोजिट, राइट। तो मैं यहां शुरू यहीं से करता हूं, ड्यूरिंग कोलिजन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ every action has equal but opposite reaction, minus sign आएगा भाई, direction दोनों का opposite है, तो F1 is equal to minus of F2, ठीक है। अभी second law के हिसाब से by second law के हिसाब से क्या होता है भैया, force is equal to होता है mass into acceleration। अब देखो F1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसके हिसाब से F1 वो फोर्स है जो B पे लग रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा F1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ब्रॉट इन B, है ना, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मास और उसका एक्सेलरेशन आता है, यानी F1 की जगह पे मैं ये लिखूंगा, और F2 की जगह पे क्या आएगा, F2 वो फोर्स है जो B A पे लगा रहा है, तो ए वाले का मास और एक्सेलरेशन आ जाएगा वहां पर, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहां पर इस वाले इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा सर, तो मिल जाएगा देखो एफ वन ये है मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू, व्हाट इज एफ टू, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब यहां पर क्या करो, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बस वही कर देंगे इसके बाद, ठीक है। तो हियर मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी बोले तो क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ कोलिजन। अब टाइम ऑफ कोलिजन तो दोनों के लिए सेम रहेगा, ऐसा तो नहीं कि भाई ए जो है बी से एक सेकंड में टकराया था और बी ए से दो सेकंड में टकराया था, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों का चिपकना सेम टाइम के लिए होगा, तो यानी टाइम ऑफ कोलिजन में मैं टी ही लिखूंगा, दोनों का सेम रहने वाला है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्या होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ कोलिजन, इसका भी टाइम ऑफ कोलिजन है टी ही है। अब ये दोनों डिवाइड में हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ओके, और बस अब ये जो टर्म्स हैं इनको ब्रैकेट के अंदर भेज दो, रीअरेंज कर दो, यू विल गेट द वैल्यू जो चाहिए था वो मिल जाएगा। देखो ये हो जाएगा मास ऑफ बी इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस मास ऑफ बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एम ए यू ए, ठीक है।
आया कि नहीं आया भाई, आ गया। जो माइनस वाला टर्म है उसको अगली साइड भेज दो, प्लस बन जाएगा, इसको भी इधर भेज दो, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो गया, यानी प्लस एम ए वी ए प्लस, यहां पर ऑलरेडी एक है एम बी वी बी इज इक्वल टू, ये क्या है एम ए यू ए, है ना, एम ए यू ए प्लस, ये वाला इधर आया तो माइनस आया तो प्लस हो गया ना, एम बी यू बी। अब देख सकते हो आप ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये क्या हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये क्या हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम, प्रूव हो गया। सिंपल था भाई, कोई टेंशन की बात नहीं थी इसके अंदर। ओके, पॉज करके ध्यान से समझ लो, फटाक से इसको लिख दोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और सेकेंड जो है इसी के एप्लीकेशन पे रिकॉइल ऑफ गन वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं मिटाऊंगा, इसी से इसी को हम यूज कर लेंगे यहां पर आगे। सो अब इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशन में क्या है यहां पर रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखो रिकॉइलिंग क्या होता है, आपने काफी लोगों ने सुना भी होगा रिकॉइलिंग के बारे में। रिकॉइल वेलोसिटी यानी क्या, सो सपोज दिस वी हैव भयंकर गन बना दिया, हाँ ठीक है, नहीं नहीं अच्छा है, काफी अच्छा है भाई, ये देखो एकदम शॉर्ट गन बना दूंगा मैं, आप देखते जाओ बस, ये बना दिया, ये है ट्रिगर, दबाना है ट्रिगर भाई, जान निकल जाएगी। देखो यहां पर गन के अंदर है, ये रहा बुलेट, ठीक है, फायरिंग करने से पहले अभी इसके हैमर ऐसे पीछे लगा हुआ है, अभी इसको लगा नहीं है, फायर नहीं किया हमने, सो दिस इज बिफोर फायरिंग, ठीक है, लेट एम जी बी मास ऑफ गन एंड लेट एम बी बी मास ऑफ बुलेट, तो याद रहे मास ऑफ गन मास ऑफ बुलेट, और ये फायरिंग भी कुछ और नहीं है, फायरिंग इज नथिंग बट दिस इज अ कॉलिजन, किसका कॉलिजन भैया, कॉलिजन बिटवीन गन एंड बुलेट, है ना, ये इसको हैमर ही तो करेगा गन, तभी तो बुलेट आगे जाएगा, तो यहां पर ये कॉलिजन ही है एक तरीके का। तो ये हो गया, जब उसको फायर कर देगा, फायर करने के बाद क्या होगा, फायर करने के बाद बुलेट जाएगा यूं करके आगे जाएगा, देखो उसके पास एकदम बढ़िया वाली स्पीड भी है, और इसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और इसी वेलोसिटी को कहा जाता है मजल वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसको, बोलो भाई मजल वेलोसिटी। एंड अब कोई भी चीज टकरा रही है, इस पे फोर्स लगा रहा था ना, देखो यहां पर मान लो कि दिस वाज अ बुलेट और गन ने ये फोर्स लगाया, तो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया गन ने, अगर बुलेट आगे निकल गया तो गन के ऊपर ही पीछे की तरफ का फोर्स लगेगा, तो यानी गन भी थोड़ा पीछे झटका खाता है, और उसी गन के पीछे झटका खाने को ठीक है क्या कहा जाता है, भैया गन छोटा हो गया ये तो, कोई बात नहीं चलता है यार, इतना तो चल जाएगा, तो ये पीछे की तरफ आ गया यूं, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, दिस वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन, और इस वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, सो दिस इज अ रिकॉइल वेलोसिटी, जो गन का वेलोसिटी है जो पीछे झटका खाया, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल, और बुलेट जो आगे की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं मजल वेलोसिटी। तो हमको इस पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें याद रहे कि दोनों गन और बुलेट दोनों ही इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन हो या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो, दोनों क्या लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम यहां पर लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या बनेगा, मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, राइट। तो यहां पर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या बोला, फायरिंग से पहले दोनों रेस्ट में होंगे, जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग विल बी व्हाट, जीरो, तो यानी कि ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम हमेशा ऐसे वाले केस में या इस वाले केस में, जब भी बुलेट और गन का बात दिया होगा, तो इसमें
ये जो फायरिंग हो रही है इससे पहले का दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी. इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लिया जाए, है ना. ये फॉर्मूला आप स्टैंडर्डाइज याद ही रख लो इसके लिए. इसके बाद अगर हम बात करें कैचिंग ऑफ बॉल की, कैचिंग ऑफ बॉल वाला भी भाई आपको पता है कि क्रिकेटर्स को एक स्पेशल तरीके से बॉल, ऐसा प्लास्टिक बॉल तो होता नहीं वहाँ पे, तो वो जो बॉल आ रहा है वो लेदर वाला, वो जो भयंकर सीजन बॉल जिसको कहते हैं, उसको कैसे कैच किया जाए, ठीक है, वो यहाँ पर एक टेक्निक से होता है ना, ऐसे नीचे लेके कैच किया जाता है. तो उसको अगर सीधे ऐसे पकड़ लिया जाएगा तो क्या होगा, तो हाथ में चोट लग जाएगी. क्यों चोट लगेगी वो भी देख लेते हैं, ठीक है. तो ये वाला तो भाई हो गया. इसके ऊपर का बेस न्यूमेरिकल्स मैंने बनाया हुए ऑलरेडी वीडियोस पहले के हैं, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है. और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेस्ड ऑन दिस. एग्जाम्पलर वाली बुक में भी मिल जाएंगे, ओके. तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कैचिंग ऑफ बॉल की बात करते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट जो है, अब इसमें हमको क्रिकेटर बनाने पड़ेंगे भाई. तो हमारे पास एक क्रिकेटर है, ये बना दिया मैंने बढ़िया वाला डायग्राम. बन जा भाई, ऐसा कौन बनाता है, चलो ठीक है ऐसा. तो ये एक प्लेयर है जो सीधे ऐसे कैच करेगा बॉल को, हाथ वाथ नीचे पीछे कुछ नहीं लेगा, सीधे कैच करेगा. स्मार्ट बंदा है बड़ा, एकदम ऐसे. इनिशियल वेलोसिटी जो आ रहा था बॉल जिस स्पीड से, लेट दैट स्पीड बी कॉल्ड सम 100 meters per second, और ये फाइनली उसको स्टॉप करना है. मतलब फाइनल स्पीड क्या होगी, 0 meters per second, ठीक है. दिस इज मान लो प्लेयर ए, और एक दूसरी केस में, और मास मान लो हम ले लेते हैं 0.2 kg, ठीक है. और यहाँ पर एक दूसरे केस में वी हैव प्लेयर टू जो एग्जैक्टली अपनी स्किल्स को यूज करेगा, ठीक है, और बॉल को कुछ ऐसे पकड़ेगा, मतलब हाथ को वो इस पोजीशन से नीचे लेता हुआ आया, ठीक है, यहां से. सो हियर ऑल्सो मान लो कि यहां भी इनिशियल स्पीड जो था वो था 100 meters per second, ओके. फाइनल स्पीड इट वॉज अगेन, इसको भी स्टॉप करना है तो यहां भी 0 meters per second होगा. मतलब फाइनल, मतलब यहां पे होगा ना, इधर तक ले आ रहा है वो, तो फाइनल स्पीड इज अगेन 0 meters per second. यानी दोनों कंडीशन में, दोनों प्लेयर्स की किसी का ना इंसाफी नहीं किया गया, दोनों को सेम वेलोसिटी से कैच आ रहा है. अब कौन से प्लेयर को यहां पर चोट लगने का खतरा ज्यादा होगा, तो वो है ये, है ना. तो यानी ये गलत मेथड है कैचिंग का, एंड दिस इज द सही मेथड. अब इसका मतलब क्या है सर, कैसे हुआ ये देखते हैं. और मास यहां भी हम वही ले लेते हैं, मतलब कोई ज्यादती नहीं हुई, देखते हैं भाई इसमें क्या स्किल का क्या फायदा हुआ. तो दोनों में डिफरेंस जो है ना वो है टाइम ऑफ कैचिंग का. किस चीज का डिफरेंस है, टाइम ऑफ कैचिंग का, ठीक है. हमको ये जानना है कि किसके हाथों पे ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है. तो व्हेन आई नीड टू कैलकुलेट द फोर्स, जब बात करते हैं हम फोर्स की, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. दैट इज यू कैन सी कि देखो यहां पर दोनों केसेस में मास भी सेम है, फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है. यानी ये सारी चीज अगर मैंने कॉन्स्टेंट ले ली तो मैं सीधे सीधे क्या बोल सकता हूँ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो यानी उस बंदे के हाथ पे, उस प्लेयर के हाथ में ज्यादा फोर्स फील होगा, इंपैक्ट ज्यादा लगेगा, जिसका टाइम ऑफ कैचिंग क्या होगा, कम होगा. यानी इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही तो यही होता ना कि अगर टाइम होगा कम तो फोर्स उसके हाथों पे लगेगा ज्यादा, और अगर टाइम ऑफ कैचिंग को कर दिया हमने ज्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगा. यू कैन सी इट ना हियर, इस वाले में क्या हुआ, टाइम ऑफ कैचिंग को बढ़ा दिया गया, हाथ नीचे ले जाते हुए उसने कैच करने के टाइम को इंक्रीज कर दिया. हाँ भाई ज़्यादा टाइम लग रहा है, और इसने एक ही बार में टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया. तो टाइम कम करने से क्या हो गया, फोर्स का जो असर था, फोर्स था उसके हाथों पे बढ़ जाएगा. इससे क्या चांसेस होंगे,
इंजूरी के चांसेस होंगे, है ना भाई, जख्मी हो जाओगे, ऐसे ना कैच किया करो, है जी। और जहां पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पर टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ा दी गई, वहां ऑब्वियसली फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, यानी इससे इंजुरी के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। इसीलिए कैच करने का तरीका ये है। ओके, इसके बाद लास्ट है प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। अगर हम बात करते हैं प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट की, तो रॉकेट एग्जैक्टली कैसे प्रोपेल होता है भाई, कौन सा यहां पर रूल, कौन सा फिजिक्स लगा हुआ है, वो भी देख लेते हैं भाई उसमें क्या है। तो एग्जैक्टली सपोज ये है रॉकेट, इस रॉकेट का नाम है रॉकेट, ठीक है, या मान लो इस रॉकेट का नाम है टाइटैनिक, हाँ भाई कुछ भी नाम रख सकते हैं हम। तो ये जो हमारा टाइटैनिक रॉकेट है, ये डूबेगा नहीं, ये तो उड़ेगा। अब ये जो उड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कैसे ऊपर जाएगा भाई, कौन सी ताकत है जो उसको ढकेल रही है, क्या नीचे से शक्तिमान ढकेल रहा है उसको, या पोकेमॉन है नीचे से, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कैसे ऊपर जा रहा है। तो रॉकेट का जो ट्रेमेंडियस फ्यूल है, वो नीचे की तरफ थ्रस्ट लगा रहा है, एकदम जोरदार फोर्स लगा रहा है ना। तो यानी जो फ्यूल बर्न आउट होके बाहर जा रहा है, वो एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, किसके तरफ, किसके ऊपर फोर्स लगाएगा भाई, ऊपर हवा में चल जाएगा तो किस पे फोर्स लगाएगा, हवा पे फोर्स लगाएगा, यानी एयर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाएगा, कौन, ये रॉकेट का फ्यूल्स नीचे की तरफ। एंड यू नो फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा लॉ। तो यानी अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल्स भी इस रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का मारेंगे, जिसकी वजह से, एंड जितना ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करेगा ये रॉकेट, उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इक्वल अपोजिट रिएक्शन मिलने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा वाला लॉ पे बेस्ड है, ऑब्वियसली दिस इज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड ये प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट का एप्लीकेशन है। ओके, तो इस बार ही करेंगे हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो यहां पर हम नोट करेंगे। सबसे पहला, ओके, सबसे पहला वाला फॉर्मूला भाई, फोर्स क्या होगा, फोर्स, फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, फोर्स इज मास इन टू एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, उस पर फोर्स लगाया तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट वैल्यू विल बी a, तो यानी m into a को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का पता लग जाता है, ठीक है, जिसमें फोर्स की SI यूनिट, याद रखना फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, 1 न्यूटन। CGS यूनिट क्या होता है भाई, डाइन, तो 1 न्यूटन इज 10^5 डाइन, डाइन नहीं भाई डाइन, ठीक है, 1 न्यूटन इज 10^5 डाइन। इसके अलावा यही फॉर्मूला, अब डायरेक्ट बहुत कम पूछते हैं, इसमें आपको एक्सेलरेशन सीधे नहीं दिया रहेगा, आपको इसमें से भी ए जो है वी यू या टी के टर्म्स में, वी यू या फिर एस के टर्म्स में लिखना पड़ सकता है। तो समटाइम्स यू कैन यूज एक्सेलरेशन एज वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, जहां पे आपको मास दिया है, वेलोसिटीज दिए, इनिशियल फाइनल और टाइम दिया हुआ है, और आपको फोर्स निकालना है, तो ये काम आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो सकता है कि v, u और s दिया हुआ है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, v square minus u square is 2as, काइनेमेटिकल इक्वेशन का, तो उसमें हम a को क्या पुट कर सकते हैं, 2s को नीचे ले लो, यानी v square minus u square upon 2s, है ना, तो यानी एक्सेलरेशन को आप ये भी पुट कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है, अगर आपको टाइम दिया हुआ है, वी यू और टी दिया है, तो एक्सेलरेशन की जगह पर ये यूज करोगे, अगर वी यू और एस दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन की जगह पर ये यूज किया जाएगा। यानी क्या, यानी फोर्स का कभी ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, कभी ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा, या फिर कभी ऐसा भी, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। दिस वॉज अबाउट द फोर्स। इसके अलावा फोर्स हो गया, अब यहां पर और क्या किया था हमने इस चैप्टर में, यस, मोमेंटम, मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हो आपको। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था भाई, मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते थे, इसका फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, वेलोसिटी है वी, तो मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट देखो, मास का है केजी, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, मोमेंटम। अगर पूछा है चेंज ऑफ मोमेंटम,
तो चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और बाद में कुछ टाइम में उसका वेलोसिटी है v, अगर फोर्स लगाया नॉल उस वजह से, तो वहां पर फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ओके। और अब यहां पर एक और जो हमने इस चैप्टर में सीखा है वो क्या है? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी नॉट एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब भी बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं, सो दिस इज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, जिसके तहत अगर सपोज एक बॉडी है जिसका मास है, दिस बॉडी इज ए, नदर बॉडी इज बी, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू बी, दोनों मूव कर रहे थे विथ दीज वेलोसिटीज एक ही लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन से, ये वाली वेलोसिटीज ज्यादा थी जिस वजह से ये इससे आगे टकरा गया, और फिर आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इनका वेलोसिटीज हो गया वी ए एंड वी बी करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, या फिर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कितना होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? देखो इसका मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन? मास इनटू वेलोसिटी ए का हो गया, ठीक है, एंड बी का कितना हो जाएगा? उसका मास इनटू वेलोसिटी, यानी एम बी यू बी विल बी इक्वल टू व्हाट? इसका भी वैसे ही एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सो ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिकॉयल एंड मजल वेलोसिटी की, इसी का एप्लीकेशन में है। जैसे कि मान लो एक गन है, ठीक है, जिसमें से हमने बुलेट फायर किया, ठीक है, तो जब हम एग्जैक्टली मास ऑफ बुलेट इज एम बी, मास ऑफ गन इज एम जी, और दोनों फायरिंग से पहले दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यू जी कहो या फिर यू बी कहो, दोनों क्या रहेगा? जीरो रहेगा, है ना। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? बुलेट आगे की तरफ भागता है और गन को पीछे का एक झटका लगता है, राइट। तो यानी ये पीछे आ रहा है, ये आगे जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी रहता है बुलेट का, उसको हम क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वी बी रहेगा, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये जो बुलेट का वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। गन की वेलोसिटी को कहा जाता है रिकॉयल वेलोसिटी, राइट। तो इसमें आप कितना रिकॉयल हुआ है या कितना मजल वेलोसिटी निकाला जा सकता है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगे? देखो यही चीज है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इनिशियल, पूरा इनिशियल मोमेंटम इनका जीरो रहता है इस केस में, और फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू मास ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ओके। तो ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है जब भी मजल और रिकॉयल वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार ऑफ मास 200 केजी मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। सो इस केस में क्या दिया है कि यहां पे एक कार है जिसका मास है 200 केजी, ना 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 ऐसे पसंद नहीं आएगा, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, हम एक कार लाते हैं, लाओ भाई, यस। सो दिस इज अ कार व्हिच इज, जिसका मास है 200 केजी और ये ऑलरेडी मूव कर रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अरे यार क्वेश्चन में 36 किलोमीटर पर आवर दिया था, लेकिन हमको ऐसा ही सिस्टम में कैलकुलेशन करने होते हैं, राइट। सो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करना है? मल्टीप्लाई बाय 5/18 या फिर 1000/3600 करो, सो इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड, ओके। 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल हो गया, यू हो गया, और अब ये स्पीड कम हो रही है और यहाँ पे अब जाके स्पीड जो है वो जीरो हो गई, यानी वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकंड हो गया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है? 10 मीटर का है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, ओके। वी नीड टू फाइंड द रिटार्डेशन फोर्स, क्या है यहाँ पे फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए।
अब यहाँ पे इस लेसन में एक ही जगह पे हम दो चीज पुट कर सकते हैं, एक तो है भाई v माइनस यू अपॉन टी डाल सकते हैं, दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस। सर ये कैसे आया? अरे काइनेमेटिकल इक्वेशन से आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इक्वल टू टू एस होता है, a को वहीं रखो 2s को इधर भेज दो, हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस, राइट। तो यहाँ पे f इक्वल टू ma के बाद में एक ही जगह पे ये दो चीजें सब्स्टिट्यूट करी जा सकती है फिलहाल। तो जनरली जो भी क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम तो क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज में चल जाएगा हमारा काम। ओके फिलहाल इस क्वेश्चन में हम पुट कर लेते हैं f इक्वल टू m कितना है 200, ठीक है, a की जगह पे v स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। कैलकुलेशन करो भाई, कैंसिल करो एंड यू गेट द आंसर एज 200 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 1000 न्यूटन, राइट। द सेकेंड क्वेश्चन इज एन 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5000 न्यूटन, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2। सो यस वी हैव दिस ट्रेन। अब ये जो ट्रेन है इसमें ये इंजन लगा हुआ है और इसके पीछे ये 5 डब्बे लगे हैं। इस इंजन का मास है 8000 kg, जो इन वैगन्स का मास है वो है 2000 2000 2000 2000 एंड 2000, ठीक है, सबका इंडिविजुअल मास 2000 kg है यहाँ पे। अब इस केस में हमको ये बोला गया है कि जो फोर्स ताकत जो लगा रहा है इंजन वो कितने का है 40,000 न्यूटन का, लेकिन अपोजिशन जो यहाँ पे है फ्रिक्शन का दैट इज 5000, यानी 40,000 तो ये आगे जाने में लगा रहा था, 5000 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। सो नेट फोर्स कितना हो गया 40,000 माइनस 5000 दैट इज 35,000। पहला आंसर तो वैसे ही मिल गया। इसके बाद ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है वो निकालना है। सो एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स बचा 35,000 न्यूटन। सो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ए इक्वल टू एफ अपॉन एन कर दो, एफ कितना है फोर्स कितना है 35,000 अपॉन एम मास, कौन सा मास जिस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इंजन पे फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा, इंजन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 5 डब्बों पे, तो 5 डब्बों का मास आएगा 2000 इंटू 5 10,000। सो मास यहाँ पे 10,000, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, सो दैट इज 35,000 अपॉन 10,000 कितना हो गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल था। अब निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सिंपल है यार। इसमें अगेन एफ इज इक्वल टू एम ए पुट करोगे, एक्सेलरेशन तो भाई सभी के लिए कॉमन है 3.5, और एम क्या पुट करना है जिस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वैगन 1 किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 2 पे, तो 1 का तो वहां पे यानी इंजन और वैगन 1 का मास नहीं काउंट होगा, लेकिन 2 और उसके आगे जितने भी अटैच है सबका मास वहां पे आ ही जाएगा। सो दैट इज 2000 इंटू 4, क्योंकि 2 3 4 5 है ना, 4 डब्बे हो गए यानी 8000। सो f इज इक्वल टू ma 8000 इंटू 3.5, वी गेट द आंसर एज 28,000 न्यूटन, राइट। ओके द थर्ड क्वेश्चन इज टू ऑब्जेक्ट्स each of mass 1.5 kg are moving in same straight line but in opposite direction, the velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together, what will be the velocity of combined objects after the collision? So ye based hai conservation of momentum pe. So we have two bodies, dono ka mass hai 1.5 kg, dono same straight line mein move kar rahe hain but in opposite direction, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे दे विल कोलाइड विद ईच अदर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर, सो यहाँ पे ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, सो दे विल हैव अ कॉमन वेलोसिटी, यानी वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सो हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो विल गेट इट एज 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5, सो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, 0 इज इक्वल टू 1.5 वी प्लस 1.5 वी, कितना हो जाएगा 3 वी इक्वल टू 0, वी इक्वल टू 0, यानी कि फाइनली ये मूव ही नहीं कर रहे बस स्टिक होके रह गए। ओके सो एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले वाले का वेलोसिटी हमने लिया 2.5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले का हम 2.5 नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज अपोजिट डायरेक्शन,
तो ये जो UV है दिस विल बी माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड. कन्वेंशनली ये दो वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने के लिए. ओके अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दीजिए, मैं आंसर भी वहीं दे दूंगा या फिर कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं. ओके सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग.